Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, hopefully you are fine. In the last topic we were discussing waves and its types. हमने पढ़ा था कि waves क्या हैं और उनकी types क्या हैं. हमें पता चला कि wave की two types होती हैं, mechanical and electromagnetic waves. और आज हम जो है वो mechanical waves की further types को discuss करेंगे. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम इनको डिस्कस करेंगे. तो मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स क्या है? कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इटसेल्फ, मैकेनिकल वेव्स मे बी क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडनल आर ट्रांसवर्स वेव्स. यानी कि इसकी दो टाइप्स हैं और वो कैसे बनती हैं? जो मीडियम है उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, मीडियम के जो पार्टिकल्स है ना वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उनकी जो वाइब्रेशनल डायरेक्शन है उसको हम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं. विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, और जो वेव्स की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, इस पे डिपेंड करता है. वेव्स की दो टाइप्स बन जाती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स. ये दो टाइप्स बनती हैं. तो ये क्या हैं ये टाइप्स, इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को समझने के लिए आप इस फिगर पे जरा गौर करें. इस फिगर में एक स्प्रिंग दिखाया गया, इसको हम स्लिंकी कहते हैं. ये एक सॉफ्ट स्प्रिंग होता है, एक तरफ से एक सपोर्ट के साथ अटैच है एंड और फ्रॉम द अदर साइड इट इज बीइंग होल्डेड बाय अ हैंड. एक हाथ से हमने इसको जो है वो होल्ड किया हुआ. अब इस स्प्रिंग को एक सरफेस के ऊपर हमने जो है वो सेटल किया होगा. इस हैंड की मूवमेंट पे गौर करें. हैंड की मूवमेंट जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इसको कहते हैं, या टू एंड फ्रो भी कह सकते हैं. अच्छा, जब हम हाथ को आगे की तरफ मूव करते हैं तो क्या हो रहा है, गौर से देखें जरा. जो लूप्स हैं स्प्रिंग के, दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं. और जैसे ही हम हाथ को जो है वो पीछे को मूव करते हैं, तो जो ये क्लोजर पार्ट था, ये वाला पोर्शन अब यहाँ पे दिखाया गया, और यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग, मीडियम है स्प्रिंग, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो गए. तो यहाँ पे करीब है, यहाँ पे दूर हो गए. फिर हमने जैसे ही हाथ को आगे को मूव किया, फिर जो है वो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हुए, इतनी देर में ये वाला पोर्शन आगे ट्रांसफर हो जाएगा. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हाथ को हैंड की फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन से हम इस स्प्रिंग के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको फॉरवर्ड मोशन के दौरान एक दूसरे के करीब लेके आते हैं और बैकवर्ड मोशन के दौरान एक दूसरे से दूर लेके जाते हैं. तो जब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं तो हम कहते हैं कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ, और जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो हम कहते हैं रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हुआ. यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस होते हैं और वो ट्रांसफर होते जाते हैं आगे की तरफ. अब इसके इस पे आप गौर करें तो पार्टिकल्स की जो मोशन है वो भी बैक एंड फोर्थ है, और जो वेव है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही वेव भी जा रही. मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन और वेव की प्रोपोगेशन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है. तो जब ऐसा हो तो हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस हुई है. डेफिनेशन विल मेक इट मोर क्लियर टू यू. इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव. पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं और उनकी डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स की डायरेक्शन में ही होती है. इसके साथ आपने ये फिगर जरूर बनानी है.
फिर ही इसकी जो है वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो सकेगी। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन एंड द अदर पार्ट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। इनकी डेफिनेशन भी आपको पेपर में पूछी जा सकती है, तो वो भी आपने करनी है। कहता है अ सीरीज ऑफ डिस्टरबेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लिंकी। सच अ वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन्स कॉल्ड कंप्रेशंस। कंप्रेशन की डेफिनेशन क्या है? वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टूगेदर। तो इसको प्रॉपरली प्रॉपरली कैसे लिखते हैं, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। ऑल्टरनेटिंग विद द रीजन्स कॉल्ड रेयरफैक्शंस आर एक्सपेंशंस वेयर द लूप्स आर स्पेस्ड अपार्ट। तो रेयरफैक्शन क्या है? जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। और कंप्रेशंस क्या है? जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं। कहता है इन द रीजन्स ऑफ कंप्रेशंस पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टूगेदर, वाइल इन द रीजन्स ऑफ रेयरफैक्शन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर स्पेस्ड अपार्ट। ये इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो ये आप दरमियान में लाइन लगा के कॉलम में आप लिख सकते हैं, पहले कंप्रेशन की डेफिनेशन और फिर उसके बाद रेयरफैक्शन की डेफिनेशन। और ये फिगर भी आप जरूर बनाएं, ये जो लास्ट वाली है, ये वाली, क्योंकि इसमें कंप्रेशन और रेफ्रेक्शन दिखाए गए हैं, तो आपने इनको भी साथ जो है वो बना लेना है। अच्छा, अब इसके बाद वेवलेंथ की डेफिनेशन है, ये भी आपको आनी चाहिए, ये भी शॉर्ट आंसर में पूछी जा सकती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेकेटिव कंप्रेशंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। टू कंजेकेटिव कंप्रेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे वेवलेंथ, यानी कि यहां से यहां तक का फासला, ये शो किया हुआ, ये लेमडा जो यूनिट है ना, ये यूज होता है वेवलेंथ के लिए। यूनिट नहीं, सॉरी, सिंबल, ग्रीक लेटर है लेमडा, और इसको हम वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं। तो ये जो वेवलेंथ वाला क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट आंसर के तौर पे आपने करना है। ये है वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द वेव, दैट इज ट्रांसवर वेव्स। ट्रांसवर वेव को समझने के लिए आप इस फिगर को जरा गौर से देखें। इसमें एक स्प्रिंग नजर आ रहा है आपको, इस स्प्रिंग को हमने एक तरफ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ, फर्म सपोर्ट के साथ अटैच किया, और दूसरी तरफ से हमने इसको होल्ड किया। व्हेन वी विल मूव आवर हैंड अप एंड डाउन, तो स्प्रिंग के पार्टिकल्स जो है वो अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देंगे अपनी नॉर्मल पोजिशन से ऊपर और नीचे। वेव जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इन केस ऑफ ट्रांसवर वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है उनकी मोशन और जो है वो वेव की प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होती है। आप देख सकते हैं वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल में, तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वर्टिकल डायरेक्शन में अप एंड डाउन मूव करते हैं, दो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यही पहचान होती है ट्रांसवर्स वेव्स की। तो ये डेफिनेशन आपने जो है वो इसकी भी लर्न करनी है। अच्छा, अब इसमें भी जो ये अप एंड डाउन मोशन आ रही है, इसमें मीडियम के वो पार्टिकल्स जो नॉर्मल या मीन पोजीशन से ऊपर है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वेव का, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। और वो पोर्शन जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम नॉर्मल मीन पोजीशन से नीचे हैं, वो दैट इज कॉल्ड ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ की भी आपने डेफिनेशन करनी है, तो लेट्स सी द प्रॉपर डेफिनेशन। द क्रस्ट आर द हाइएस्ट पॉइंट्स वाइल द ट्रफ्स आर द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजिशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ।
डिफरेंशिएट के तौर पे क्वेश्चन आए तो आपने कॉलम बना के अलहदा अलहदा दोनों को लिख देना है, और साथ ये फिगर मस्ट है। अगर आपको वेव ट्रांसफर वेव्स वाला भी आए फिर भी यही फिगर बनानी है, क्रस्ट और ट्रफ वाला आए फिर भी यही फिगर बना के आपने क्रस्ट और ट्रफ उसमें शो कर देना। अच्छा, इसकी भी वेवलेंथ जो है वो हमने डिफाइन करनी है, तो उसकी भी डेफिनेशन देख लें। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो इसमें क्या है कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। अगर आपको सिंपली वेवलेंथ का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपने उसकी दोनों डेफिनेशंस लिखनी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वाली भी और ट्रांसवर्स वेव्स वाली भी। होपफुली बेटा आपको टॉपिक की समझ आई है, इससे रिलेटेड जितने भी ये शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं इनको लर्न करें और अपने नीट रजिस्टर पर भी लिखें। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।